सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जीवन में हर काम आसान नहीं होता और जो आसान होता है वो काम खास नहीं होता। सब कुछ ठीक होने का इंतजार करोगे तो बस इंतजार ही करते रह जाओगे। हिम्मत करो, खुद उठो और सब कुछ ठीक करो। कोयल अपनी भाषा बोलती है इसीलिए आजाद रहती है, पर तोता दूसरों की भाषा बोलता है इसलिए पिंजरे में जीवन भर गुलाम रहता है। आज का पंचांग 14 अक्टूबर 2021 दिन गुरुवार, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि शाम 6:52 तक रहेगी। इसके उपरांत दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तराषाढ़ा नामक नक्षत्र सुबह 9:35 तक रहेगी। इसके उपरांत श्रवण नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय 1:39 से 3:05 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:49 से 12:35 तक रहेगा। आज चंद्रमा मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कन्या राशि पर रहेंगे। तुला राशि 14 अक्टूबर 2021 दिन गुरुवार, आप सकारात्मक तरंगों से भरपूर हैं, लेकिन इसे औरों के साथ ना बांटें। लोग आपकी सलाह का सम्मान नहीं करेंगे। रचनात्मक ऊर्जा से भरे होने के बावजूद भी चुपचाप बैठे रहना आपके लिए तनाव का कारण बन सकता है, लेकिन इससे परेशान ना हो, आपकी पहचान को कोई नुकसान नहीं होगा। इसमें देरी हो सकती है, ऐसे छड़े खुशियों के चक्कर में ना पड़े जिनके आपको बाद में काफी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। आज आवश्यक या रोमांस के लिए समय निकालें। आज अवकाश या रोमांस के लिए समय निकालें। नए विचारों या आध्यात्मिक लोगों की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। अपने सूझबूझ का प्रयोग करें किंतु कारणों को नजरअंदाज ना करें। खासकर जब बात मौके का फायदा उठाने की आती है, कोई बुजुर्ग साथ दादाजी आपके दिमाग में सुखद विचार लाएंगे। आज संयम रखें अन्यथा नुकसान हो सकता है। कार्यस्थान के तुलना में घर के मामलों की ओर अधिक ध्यान रहेगा। आप अतीत के बारे में सोचकर उदास महसूस कर सकते हैं। हम गलत इंसान से प्रेम कर सकते हैं, उसके लिए रो सकते हैं, लेकिन हमारी गलतियां ही हमें सही इंसान तक पहुंचने में मदद करती है। आप अपने सूझबूझ व समझदारी से कोई पारिवारिक मामला सुलझाने में सक्षम रहेंगे। दूसरों की बातों पर ध्यान देने की अपेक्षा अपनी कार्य क्षमता पर ही विश्वास रखें। किसी निकट संबंधी की परेशानी में उसकी मदद करने से आपको हार्दिक खुशी महसूस होगी। आपके काम से संबंधित हर एक बात को समझने की आवश्यकता है। आप केवल अपने ही नजरिए से देखेंगे तो लोगों की गलतियां ही दिखेंगी। किसी व्यक्ति के लिए आपका नजरिया और राय बदल सकती है। परिवार के छोटे व्यक्ति की मदद से आपकी समस्या हल हो सकती है। जो शिक्षा आपने अधूरी छोड़ दी थी उसे पूरा कर पाएंगे। शिक्षा के लिए समय बहुत ही बेहतरीन साबित होगा। रिलेशनशिप में आ रहे उतार चढ़ाव कम होने लगेंगे। अपनी व्यक्तिगत बातों को भूलकर रिलेशनशिप को बेहतरीन बना पाएंगे। हड्डी और जोड़ों के दर्द से संबंधित तकलीफ हो सकती है, ध्यान रखें। यदि व्यवसाय आपके नाम से है तो धन संबंधित उल्लेखनीय मामला पक्ष में आ सकता है। आयकर अधिकारियों के लिए समय अनुकूल सिद्ध हो सकता है। मानसिक आराम की आवश्यकता है। खानदानी काम करते हैं तो बहुत शुभ समय है। पैतृक संपत्ति संबंधित खास काम कर सकते हैं। वैट की भाग दौड़ से बचें। प्रशासनिक अधिकारियों के लिए समय धैर्य रखने का है। धन संबंधित मामले में अतिरिक्त सावधानी बरतें। ब्लड प्रेशर की शिकार है तो इस दिशा में लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। सावधानियां। घर में मेहमानों के अचानक आगमन से आपकी दिनचर्या कुछ अस्त व्यस्त हो सकती है, परंतु स्वभाव में चिड़चिड़ापन ना लाएं। किसी भी परेशानी में घर के वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह आपके लिए नुकसान साबित होगी। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के संबंधों में नजदीकियां बढ़ेगी। अपने लव लाइफ को मैरिज के लिए
प्रपोज करने का उचित समय है। प्यार में रचनात्मकता आपकी लव लाइफ को नई रोशनी प्रदान करेगी, इसीलिए अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाएं और अपने रोमांटिक सपनों को पूरा करें। पेट संबंधित समस्याएं अभी परेशान कर सकती है, इसलिए ध्यान रखें। व्यावसायिक संकट को अपने पार्टनर से शेयर करें और उनसे राय लें। अच्छा, आपके मूड में बदलाव के कारण आप भावुक महसूस करेंगे। शांत रहें और अपना ध्यान अन्य कार्यों की ओर केंद्रित करें। प्यार और रोमांस में आज आपकी प्राथमिकता रहेंगे। अपनी इन भावनाओं के साथ थोड़ी मस्ती को मिक्स कर लें, उसके बाद आप अपनी सब समस्याओं को भूलकर आनंद महसूस करेंगे। आपका बेहतरीन रहन सहन काफी लोगों को आप ही और आकर्षित करेगा, लेकिन उनमें से अधिकतर काफी चालाक हैं और आपसे प्यार करने का दिखावा करती हैं। ऐसे समय में केवल सकारात्मकता पर फोकस करें कि आप अकेले नहीं हैं। नकारात्मकता को नजरअंदाज कर दें कि आप अकेले हैं, यह तो सब शुरुआत है और अभी आपको बहुत से चाहने वाले मिलेंगे। बात करते हैं करियर की। आज के दिन उनके लिए अच्छा है जो कि निर्माण के व्यवसाय से जुड़े हैं। आज के दिन आपको जांच परख कर निवेश करना है, क्योंकि यह अवसर लघु समय के लिए है। अगर आप अपने लिए घर खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। अपने इस चीज के लिए जो वित्तीय रणनीति बनाई थी, उनका फल अब आपको मिल सकता है। यह समय आनंद, आराम और विलासिता भरे जीवन को त्याग कर रचनात्मक काम करने का है। अपनी बुद्धिमत्ता से आप अतिरिक्त आय के नए अवसरों को पा सकते हैं। याद रखें, जीवन में सफलता पाने के लिए कभी कभी कूटनीति का सहारा लेना भी आवश्यक है। बड़े सपने देखें, यही आज का मंत्र है, क्योंकि अपनी महत्वाकांक्षाओं को समझने का यह अच्छा समय है। भाग्य आज आपके साथ है, इसीलिए आप जो भी कड़ी मेहनत करेंगे उससे फायदा और लाभ होना निश्चित है। साथ में काम करना प्रतिस्पर्धा का सामना करने के साथ साथ प्रगति के लिए नए विचारों को जांचने में भी मदद करता है। मीडिया से संबंधित गतिविधियों पर अपना ध्यान केंद्रित रखें। आज को बेहतरीन सूचना भी मिल सकती है, परंतु कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार का बदलाव लाने का प्रयास करें, अभी इस कार्य के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। बात करते हैं सेहत की। गैस और बदहजमी की वजह से शरीर में सुस्ती और थकान जैसी स्थिति रहेगी। खानपान संतुलित रखें। आज के दिन कोई नया स्वास्थ्य संबंधित कार्यक्रम शुरू करने के लिए भी बहुत अच्छा है। अपने खाने का विशेष ध्यान रखें और आज से नियमित रूप से एक्सरसाइज शुरू करें, जिसके आप हाल फिलहाल अपेक्षा करते आ रहे हैं। आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि अच्छी मानसिक सेहत के लिए स्वस्थ शरीर का होना बहुत आवश्यक है। नए योग क्लास में हिस्सा लें या दुश रिलैक्स करने वाली तकनीक अपनाएं। आपके जीवन में अब इसकी खासी आवश्यकता है। आज का उपाय, आज अब देवी मंदिर में लाल फूल अर्पित करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।